नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। दोस्तों, ये पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस आता है ना भाई, धमाका हो जाएगा भाई। इतना सा रिस्क रहेगा, इतना सा और इतना बड़ा सा रिवार्ड होता है। देखिए, कोई भी एनालिस्ट होता है ना, चाहे वो टेक्निकल एनालिस्ट हो या फिर फंडामेंटल एनालिस्ट हो या दोनों एनालिस्ट हो, तेजी होगी या नहीं ये किसी को नहीं पता है, मंदी होगी या नहीं ये किसी को नहीं पता। रिलायंस पावर आज से 15 दिन के बाद ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा ये किसी को घंटा पता नहीं है, सीधा सीधा समझिए। लेकिन आप में और आप जैसे बैठे मेरे जो 10 वीडियो देख रहे हैं लोग, उनमें से ही 2 लोगों को ये पता होगा कि नहीं, ये वाले लेवल से ऊपर जा सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। वहीं पे 2 लोगों को ये पता होगा कि ये लेवल से ये गिर सकता है, ऐसी संभावना ज़्यादा है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि नहीं, यहाँ से उनको और अधिक कंफर्मेशन चाहिए, उनको और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलने के बाद उसे। तो सबका दिमाग जो है एक जैसा नहीं रहता है। सबसे पहले कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है ना। और जब मैं एक वीडियो बनाया था, तो सिखाने वाली वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि सब सीखे ही हैं तो किसको सिखाऊंगा कंप्यूटर को थोड़ी सिखाऊंगा अपने। तो एनालिसिस में मेन बात इस चीज़ की नहीं होती है कि तेजी होगी कि मंदी होगी। भाई देखिए, सारे मार्केट का सार बस एक शब्द में बता रहा हूँ, अगर समझ गए तो ठीक है। तेजी या मंदी के लिए एनालिसिस नहीं होती है, कहाँ से तेजी होगी कहाँ से मंदी होगी इसके लिए एनालिसिस होती है। मतलब समझ गए, किसी भी शेयर का मान लेते हैं कि एबीसीडी, कोई भी मैं शेयर चार्ट एबीसीडी ओपन करके रख दिया, अब उसको हम क्या एनालिसिस करेंगे, उसको हम ये एनालिसिस करेंगे उसके चार्ट पे जाके कि तेजी किस लेवल से तेजी हो सकती है और किस लेवल से गिरावट हो सकती है, कौन सा लेवल कटेगा तो ऊपर जाएगा, कौन सा लेवल कटेगा तो नीचे जाएगा। उस लेवल की एनालिसिस होती है, उस संभावना की एनालिसिस तो कि इस लेवल से ये ऊपर जा सकता है और इस लेवल से ये नीचे गिर सकता है, इसकी एनालिसिस होती है, ना कि इस बात का एनालिसिस होता है कि ये ऊपर जाएगा कि मंदी जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं कि तेजी होगी कि मंदी होगी, तेजी मंदी की एनालिसिस ही नहीं होती है ना भाई। जो करता है वो करने दीजिए उसको, बस ये आप एनालिसिस करिए कहाँ से ऊपर जा सकता है और कहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है ना। वो पॉइंट आपको ढूंढना है, बाकी तेजी मंदी तो किसी के हाथ में ही नहीं है। 2 मिनट बाद कैसी कैंडल बनेगी पता है किसी को। चलिए छोड़ देते हैं। आप लोगों को मैं पिछली वीडियो, अगर आप लोग ये वाली मेरी देखे होंगे वीडियो, तो मैं बोला था कि लॉस बुक करें, SM3 से बाहर होगा, डरना नहीं है। इस तरह से मैं सीधा सीधा थंबनेल लिखता हूँ, मैं वो नहीं लिखता हूँ कि भयंकर ऑर्डर मिला, तबाही मच गई, बड़ा खुलासा हुआ, ये सब मैं थंबनेल नहीं बनाता, जो सीधा सीधा रहता है थंबनेल पे लिख देता हूँ। अब समझाऊंगा टेक्निकल, तो यहीं पे आपको मैं पूरा टेक्निकल ही समझा दूंगा, कैनलिस्टिक ही समझा दूंगा, लेकिन बस उतना ही समझिए जितना, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल और एक ये कैंडल, ये तीनों कैंडल जो मिलके एक इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती हैं, जो मैं केवल आइडेंटिफाई करता हूँ, या फिर मैं ही उसको उसका नामकरण कहने के सीधा मैं ही किया हूँ कि एक मुझे जो है इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाता है, जो एक कैंडल एक कह लें कि अलग ढंग से चमकती हैं। टोटल चार्ट में वो एक अलग पैटर्न में रहेंगी, अलग ढंग से रहेंगी। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको नोटिस कराया ना कि ये कैंडल और ये कैंडल और ये कैंडल तीनों एक, अगर देखोगे ध्यान से, तो एक अलग ढंग से चमक रही हैं, ये एक अलग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती हैं। और जब तक इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट नहीं जाता, तब तक कोई बात नहीं है, ये एकदम कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। सेम टू सेम एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहीं पे सेम वही चीज़ बन रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा निगेटिव टाइप का बन रहा है, लेकिन मतलब गिरावट वाला, लेकिन फिर भी वो काम करेगा। देखिए, अभी मैं ये तीन दिखाया आपको कैंडल, देखिए नज़र होगी तो भी आपको दिखेगा, मेरे पास तो नज़र नहीं है लेकिन फिर भी मैं देख जाता हूँ, क्योंकि मेरे चश्मा का नंबर बढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक ये कैंडल और एक ये कैंडल और एक ये कैंडल, आपको नहीं लगता कि एक इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है? बहुत बार सिखाया हूँ, रतन पावर पे पहली बार सिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ है, ठीक है ना। एक एक कह लें कि एक पैटर्न में बनी है तीनों कैंडल्स, और ये बता रही हैं कि यहाँ से तेजी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बस करना क्या है, अब इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बन के, क्योंकि अभी जोन हमारा, जो मैं ये वाला जोन बताया था जो आप लोगों को कल वाली वीडियो में और उसके पहले भी वीडियो में, इसके लोअर लेवल पे है, इस लेवल के अंडर अगर ये घुस गया ना,
भाई ये फिर से जो बता रहा हूँ टारगेट ना, वो फिर से देने के लिए यहीं से जाएगा। और आप लोगों को जो बताया हूँ एग्जैक्ट लेवल आप नोट किए थे कि नहीं किए थे, 16.5 रुपये के नीचे मैं हाथ जोड़ के ऐसे बोला था कि भाई अगर 16.5 रुपये के नीचे चल जाएगा ना तो आप लोग एक बार के लिए इसमें एग्जिट कर दीजिएगा, बाद में देख लेंगे जहां पे भी रहेगा, ठीक है ना। जस्ट 16.5 रुपये का लेवल टच करके भागा है, और डेली कैंडल क्लोज करने की तो बात छोड़िए, सीधा जोन में जाके क्लोज किया है, फिर से सीधा वही 18 रुपये के जोन में, समझ रहे हो आप लोग, इस तरह से होता है। और अब इसको भी दो कैंडल को मिला लेंगे तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बन जाएगा, और अगर आप लोग इसमें ढूंढोगे तो कई सारा पैटर्न दिखेगा। अभी यहाँ पे कई सारे लोगों को ये पैटर्न दिखा होगा, इसका नाम आप लोग लिखिएगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं लॉजिक पे फोकस करता हूँ, लेवल पे फोकस करता हूँ, क्योंकि एक कैंडल कुछ नहीं बताती है भाई, ठीक है ना। देख लीजिएगा, और यहाँ से बड़ी तेजी की, और एक चीज़ और आप लोगों को बोला था, देखिए बहुत सारे लोग तो ये हैं, आप लोगों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग लाइक बहुत करते हो वीडियो को, मुझे सपोर्ट करते हो, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। 50 का लेवल भाई बोल के बताया हूँ, कोई ये इस तरह से RSI को 50, 30, 65, 45, 40 करके कोई नहीं बताता है, सब 30, 30, 60, 30, 60, 70, 70, 80, 80 यही सीखे हैं। 50 पे मैं बोला था कि 50 के अगर RSI ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और वहीं पे देखिए वहीं से रिवर्सल आया है, जस्ट देख सकते हो 50 के लेवल से यहाँ पे जो है इसमें जो है फिर से मोमेंटम ऊपर की साइड में आया है। अब यहीं से रिवर्स हो जाएगा फिर से, तो फिर से उसी एनालिसिस पे हम लोग टिकेंगे, नहीं तो ये फिर से अगर हमारे जोन में तो चला गया है लगभग, लेकिन जोन के लगभग एकदम बिल्कुल निचली वाली छोर पे है, ऊपरी वाली छोर को अगर टच कर लिया एक बार, फिर दो भी कैंडल अगर उसके अंदर अंदर बना दिया ना, यहाँ से तेजी की संभावना बन जाएगी। और जो टारगेट दिया हूँ आप लोगों को 23 रुपये का ना भाई, वो टारगेट देखे रहेगा। कल वाली वीडियो में एक बात और बोला था कि खरीदारी भी करना है भाई, 1 रुपये 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस बताया था, क्या बताया था मैं आप लोगों को कि अभी यहाँ पे 17 रुपये में भी खरीदारी करेंगे, 16.5 रुपये, या फिर 1 रुपया जाना चाहते हैं आप लोग तो साढ़े मतलब 15 रुपये, 15 रुपये मतलब सॉरी 16 रुपये, 15.5 रुपये मतलब लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के भी आप लोग खरीदारी कर सकते, ये भी बोला था कि छोटा सा। अब अगर उसका अगर आप लोग माने होंगे ना, तो अगर आप लोग 16.5 पे खरीदे होंगे ना, तो जितना स्टॉप लॉस था उतना टारगेट एक ही दिन में मिल रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हो बाकी कंडीशन बढ़िया है, वॉल्यूम भी आज बढ़िया देखने के लिए मिला है, वॉल्यूम की बात करेंगे इसमें तो 7.5 करोड़, समझ रहे हो, 7.4 करोड़ इक्विटी शेयर आज इसमें ट्रेड हुआ है, जिनकी टोटल ट्रेड वैल्यू बन रही है 130 करोड़ रुपए। और आज का इसका डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 42, 42.5, 42% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है, कि डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन अचानक से वॉल्यूम बढ़ा है तो डिलीवरी परसेंटेज कम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इंटा भी ट्रेडिंग चालू है, तो वो होगा ही होगा। ASM के स्टेज 3 में है, बहुत जल्द आएगा, इस आज भी आने की संभावना बहुत की छोटी संभावना है, क्योंकि आज भी शुक्रवार, हर शुक्रवार को आप लोग तैयार ही है ASM के लिए, ठीक है ना। लेकिन इस वाले शुक्रवार को कम चांस है, लेकिन अगले वाले को एकदम 90% मुझे भरोसा है कि आ जाएगा स्टेज 2 में, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी फंडामेंटल कभी चेक कर लेंगे बढ़िया से, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट टाइम 21 जून को बताया भी था कि 21 जून को स्टेज 3 में आया आ गया, तो देखिए आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, भले ही देखिए तेजी मंदी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमको दिखेगा जो समझ में आएगा वो मैं आप लोगों को गाइड करते रहूंगा, सीधा सीधा कहने का मतलब। 13 रुपये तक अभी भी बोल रहा हूँ कि जब तक ये ऊपरी वाली रेंज को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक व्यू ये भी रहेगा कि 13 रुपये तक कभी भी आ सकता है, क्योंकि रेंज में जब तक रहेगा तो ये हमारे कंफर्टेबल जोन में रहेगा, ये चीज है। लेकिन एक्चुअल जोन जो रहेगा वो ऊपर के जोन का जो ब्रेकआउट देगा उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम लोग जो है वो चैन वाली जो सांस है ना वो ले सकते हैं, नहीं तो इसके जोन में फिर से जाएगा, उसी जोन में फिर से कंसोलिडेट करेगा और फिर से ब्रेक डाउन दे देगा नीचे साइड में, फिर से उसी जोन में जाएगा, फिर से कंसोलिडेट करेगा, फिर से ब्रेक डाउन दे, तो ये कर सकता है ये, जब इसके ऊपर जाके कंसोलिडेट कर जाएगा तब समझ लेना कि अब सीधा ऊपर है, नीचे अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी बढ़िया कंडीशन बनी हुई है, खरीदारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, या फिर वही 16.5 रुपये वाला स्टॉप लॉस फॉलो करके भी खरीदारी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा आप लोग कि बस एक बार अभी जो मतलब मेन देखिए एक होता है ना कि उसका जोन जब तक ब्रेक नहीं हो जाता है, एक पूरी तरह से लेवल को ब्रेकआउट दे के सस्टेन नहीं कर जाता है, तब तक उसका रेंज एक रहता है, नीचे कहाँ तक जा सकता है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। तो बस ये आप ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक तोड़ दीजिए बटन एकदम पूरा।